करे पाकिस्तान जीते और ये बॉल पे भाई ओ ये बूम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सब भाइयों का क्या हाल चाल है, भाइयों के साथ साथ बहनों का भी। तो आपका भाई आज फिर से मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो आज हमने प्लान बनाया था देखने जाने का, तो आज था जुमा, अभी हम जुमा पढ़ के आए हैं, तो हमने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लें क्योंकि अब जाके मैच भी देखना है। मैच स्टार्ट भी हो चुका है, तकरीबन आधा भी हो गया, पाकिस्तान को इतना पता लग गया हमें फुट पड़ रही है। उसामा भाई कॉल्स आ रही है कि आ जाओ मेरी तरफ। उसामा भाई की तरफ हमने जाना था, तो अभी मैंने उमर भाई को कॉल किया, जाके देखते हैं उमर भाई किधर है, जाके फिर उनसे मिलते हैं और पहुंचते हैं उसामा भाई की तरफ। तो चलते हैं उसामा भाई की तरफ, हमारा वेट कर रहे हैं जी। तो भाई साहब उसामा भाई के घर आ चुके हैं, जाके देखते हैं, अंदर कमरे में बैठे हैं, हमें लेके चले गए हैं और ये कमरे में हम जाके देखते हैं, ये बैठे हैं क्या। हाँ जी, तो भाई साहब मैच देखने आ गए हैं, ये जैद भाई बैठे हैं, ये उसामा भाई बैठे हैं, ये उमर भाई आ गए। इन्होंने जो कारनामा किया हमारे आने से पहले LCD तोड़ दिया थी। यस भाई, ये हर काम से चेक करो पाकिस्तान के, हम इतना टाइम निकाल, हमारा सारा मैच खुडे लाइन लगेगा इस बंदे की वजह से। इस बंदे लाइन तो पाकिस्तान की टीम ने लगाया हुआ है, जो वो दिखाओ तो सही स्कोर कितना हो भाई गया। स्कोर है नजर आएगा तो दिखाएंगे जो तुमने ला दिया। मैं बताता हूं भाई, 450 एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है। 450 तो अल्लाह खैर कर नहीं होगा, 350 हो सकता है। अभी साहब भाई क्या स्कोर है, 268 पे 2। ओ माय गॉड, वो देखो जरा भाई ये, पर इस बंदे ने LCD तोड़ दिया। LCD तोड़नी पड़ती है यार, स्कोर दिखाओ। ये सच में हो गया कि पाकिस्तानी LCD तोड़ देते हैं। वो देख लो, दिखा दो। आप इतने चुप क्यों बैठे हो, आधी देख रहे हो है, आधा मैं ही देख रहा हूं ताकि कुट पैंदी नजर ही ना आवे है। ओहो, लो भाई साहब तो 38 हो गया, 38 ओवर हो गए, ये हनुमान बने हुए हैं। जितना उधर स्कोर पर है उमर भाई कह रहा हूँ सावा भाई अंगूर ले आया, कहते हैं अंगूर खाओ आप लोग, मैच ना ही देखो भाई साहब, फुल खराब है। आप ये हनुमान क्यों बने हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ जी दयाद भाई, कैसा लग रहा है आपको मैच देख के? अंगूर खाओ, सुती उठी है, अंगूर कटे हैं भाई साहब, बहुत हालात खराब है। आज वार्नर ही हमें आओ बाढ़ है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। आउट हो गया, पता भी लगा हम तो भाई ये अंगूर खा रहे थे, आउट हो गया। जय हनुमान, चलो हनुमान नहीं हुआ, स्मिथ हुआ ना, वार्नर नहीं हुआ। ये देख क्या शुक्र फाड़ लिया, 3 कैच छोड़े ना पहले, 2 वार्नर के और 1 स्मिथ का पहले छोड़ा है। ना खुशी हो रही है, नहीं बढ़िया भाई साहब, ठीक है स्मिथ आ गया, स्मिथ आउट हो गया। ओहो, मैंने कितना स्कोर होगा जी भाई, इतना को हो जाएगा कि हम हार गए। हारने के मूड से बैठे हैं सारे आज भाई साहब, बहुत हालात खराब है। ये देखो विकेट हुई भाई, अल्लाह अगला तो अफगानिस्तान के साथ है, वो तो सही मार रहा है, पलड़ी है, वो भी नहीं देख रहा। हाँ जी दयाल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे साउथ के बारे में, जोन से मैच करके बैठे देखते हैं। 2000 years later. जी तो भाई साहब इनिंग्स ओवर हो गई है, 367 और 368 का टारगेट है इन्होंने, ठीक ले लो, ने ना इनको गुली डंडा खिलाना चाहिए, वो गुली डंडा खिलाना इन्होंने ना लेला किया है। थे जो प्रोग्राम के बड़े थे ना, वो यहाँ पे बड़े थे, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम के भर गए थे जब उसामा अमीन ने कैच हो रहा था, उसके बाद किसी ने कोई स्कोर नहीं मारा। ये देखो वैसे इनको मैंने क्यों दिखाया, इनकी वजह से तो मैच हारना है हमने। हाँ जी साहब भाई, आपका क्या तबसरा इस बारे में? 45 लाख जो महीने की तनख्वाह है ना, उसका 45 रुपये भी ला लिखी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? होप फॉर द बेस्ट, अब देखते हैं आगे क्या सीन है पाकिस्तान, अल्लाह करे चल पे, अगर तो चल गया, अगर मैच जीत गए तो सावन भाई माइटी खिला देंगे। क्यों सावन भाई, सावन भाई की कड़ी ला देंगे।
यानी आप चाह रहे हो पाकिस्तान नहीं जीते हैं। पाकिस्तान जीते यार माइटी वाला, चलो माइटी वाला भी साल ले वाला, लेकिन पाकिस्तान जीते तो नहीं नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा भाई साहब। सही जो प्रोग्राम के बड़े समा मीर की वजह से बड़े, नहीं तो 267 में मुश्किल से होना था इनसे। वार्नर के अलावा किसी ने कोई स्कोर नहीं मारा, ये तंग करने लगे हैं यार। मैच ये देख नहीं रहे, पता नहीं किन जी मेलों से बातें करी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चार ओवर हो गए और 36 स्कोर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट तो गुड मिला, देखे आगे क्या बनता है, क्यों जैद भाई तीन होके चल रहे हैं जी। तो भाई साहब एक और चौका स्टार्क हुआ, चंगी कुट पर अल्लाह नजरे बस से बचाए जैद की। अभी हम देख ही रहे थे के साम भाई खाना शाना ले आए, कहते साथ खाना शाना खो, इसी बहाने हम छक्के चौके लगेंगे। व्हाट अ शॉट, कभी तो फायदा होगा भाई, मामूल आ गया स्टार को कुट पर अल्लाह करे भाई इसी तरह खेल ले, नहीं तो इधर ये हल्ला बोल चुके हैं। क्यों उमर भाई मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आउट ना हो नहीं तो स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया, सो फार सो गुड। हम अब टुकर शुकर खा के मिलते हैं आपको। ये तो भाई साहब अपडेट ये है कि 7.3 ओवर्स हो गई हैं और 47 स्कोर है, सो फार सो गुड। हमने खाना भी खाया ही था और ये हम दोबारा से चाय ले आए हैं। इतना मैच का मजा नहीं आ रहा जो लंगर का मजा आ रहा। बात तो सही है भाई साहब, अल्लाह करे इसी खुशी में पाकिस्तान जीत जाए। बल्कि हमें चीज का तो मजा है ना, लंगर का सही आए तो सही। नजर लग गई है स्लो स्लो है और ये हमारे दोस्त के अंदर एक शैतान आया हुआ है। भैया देखो मिर्ची खाई मैंने, ये इसको बेचारे को मिर्चें लगी हैं, पता नहीं कहां कहां से घुसी हैं जो अब ये मिर्चें खा रहा है। हाँ जी, तो भाई साहब आपकी होश पली नहीं आती और उसामा भाई के साथ मैच के ये सीन चाह रहे हैं कि चाचा जी आके छक्के मार रहे हैं। बीच में थोड़े से फक सीन तो हो गए थे, दो आउट हो गए, साउथ शकील भी मारना स्टार्ट हुआ और आउट हो गया। कितने बॉल में खेलना चाहिए सामा भाई? 120 कुछ चाहिए, आखिरी 13 ओवर रह गए भाई। 29 बॉल में 49 चाहिए भाई साहब, मैच फुल फंसा हुआ है, देखो क्या बनता है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए और ये बॉल पे भाई उम्मीद। ओ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वली बहुत ही मैच में खुबा हुआ है और ये उसामा भाई भी और ये जिंदा लाश और ये कौन आउट हो गया। Oh no. Oh no, guys, fucking mall हो गया। ये तो भाई साहब प्रोग्राम के वर गए, चाचा भी आउट हो गया। सामने में ये क्या हुआ? भाई क्या कहा था नेक्स्ट क्लिप? यार देखो क्या बनता है। नेक्स्ट क्लिप इंसान खड़ा है, अभी निकाल सकता है ना मैच? मैच अभी भी निकल सकता है पर चाचा साहब भी आउट हो गए। चाचा धोखा दे गए हमें, चाचा ये आपने क्या बेट कर दिया यार, हद हो गई है यार। अच्छा भला जा रहा था मैच लेके, सारा सीन खराब हो गया भाई। तो मैच फुल क्रूशियल मोड में फंस चुके हैं, पाकिस्तान को 100 रन चाहिए, 99 रन चाहिए फुल 66 बॉलों पे। और अगर चाचा 50 स्कोर कर जाता है तो मैं अपनी चारों चाचा आउट हो गया भाई, चाचा तो आउट हो गया। A few moments later तो भाई साहब रिजवान भी गया, हालात बिल्कुल आउट हो गए। आने वाले 3 ओवरों का क्या कह रहा है भाई साहब, काम खराब हो गया, फुल सीन फक हो गया। अच्छा वाला मैच बना हुआ था, सारा खराब हो रहा है। अब पता नहीं उसामा भाई क्या करना है, छुट्टी करें भाई, चलिए 6 आउट हो गए 274 पे, जीता जीता मैच। अब फिर अच्छा वाला बना बनाया मैच सारा खराब कर दिया भाई जी, अपने बंदों का पता होता है। क्या कह रहे थे आप यार, क्या फक हो गया यार ये अब मैं तुम्हें कुट के बताऊंगा पाकिस्तान हरा दो भाई। जीतने पे मुझे कुट पड़नी थी, हारने पे आप जीतना। कुट तुम्हें वैसे ही पड़नी है, जीतने पड़नी पड़नी। A few moments later, हाँ जी तो भाई साहब लास्ट विकेट रह गई है और ओ ओ चल लख दी थू अब इन्हें मुंह में जीता जीता मैच हार गए भाई साहब। वो देखो मेरा दोस्त कैसे बैठे क्यों आ गया भाई साहब। भाई साहब मैंने आते ही कहा था आपको
ये यही नैश है, ये बंदा नैश है। हाथ हो गई है, मुझे पहले बता देता रिजल्ट क्या आना है। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप इस तरह जो मर्जी कही जो आप मुझे। अच्छा वाला भाई मैच जा रहा था, अच्छा वाला सारा कुछ हो रहा था, बीच में आके बिठ कर दी उन्होंने। भाई मुझे सारा पहले ही पता था, मैंने कहा था ना इन्हू लाई यार एक और लगा मुझे कहा था ना मैंने इसके इसके जो भाई था खुशी खुशी आए थे रोते रोते जा रहे हैं इस बंदे की वजह से, इसने मैच छड़ाया क्यों ज़ायद भाई। भाई और आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुकिया बंदा है कहता नजम सेठी के साथ, नजम सेठी नहीं दकाशरों के साथ इसके काम चल रहे हैं। ये पता नहीं रहते क्या करता उसके साथ। हमारा मैच सारा अच्छा बना, मैच जीत रहे थे, पर ये आपने आगे इसको कुटा क्यों नहीं, कुटो इसको। ओके भाई खत्म करो यार, क्या फजूल हो गया कसम से। पूरे 6 घंटे हमने जाया किए और मैच हारे। अगला मैच बता दो क्या कहते हो, जीतेगा कि हारेगा? भाई हम तो यही चाहेंगे कि जीतेगा, क्यों मोटा जी कहना भाई जीते। ये अभी कह रहा था ये बुकी बंदे हैं, ये मिले हैं, ये इंडिया का खाते हैं, इनके तो पैसे लगे हमारा। ओके भाई अगर तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में जो के होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने निगहबान। चलो यार बहुत मान लो ऊपर बैग मार गए।